हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्न और उसके उत्तर। तो दोस्तों, ये एमसीक्यू टाइप का है और इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि समय समय पर जो है आपको इसका हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। और सभी से अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो उद्गार नहीं होते हैं, तो कहाँ है, किस सागर में जो है वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। और आंसर है दोस्तों बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर में जो है ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता, जबकि ब्लैक सागर यानी कि काला सागर, कैरेबियन सागर और कैस्पियन सागर में ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर दो पे चलते हैं। प्रश्न नंबर दो है कि क्वार्टजाइट कायांत्रित होता है, और इसका आंसर है दोस्तों कि क्वार्टजाइट कायांत्रित होता है तो ये बलुआ पत्थर में होता है क्वार्टजाइट। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर तीन है दोस्तों कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, और आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, नहीं यानी कि यूएसए में जो है ये स्थित है। अब देखिए दोस्तों कि ज्वालामुखी जो होता है वो उद्गार के अनुसार जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक्टिव वोल्केनो, फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है जो कि डोरमेंट होता है, जिसका नाम डोरमेंट अंग्रेजी बोलते हैं, और मृत या शांत ज्वालामुखी होता है जिसको जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। तो कई वोल्केनो है, तो देखिए ये माउंट सेंट हेलेंस जो है यूएसए में है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर चार है कि निम्न में से कौन सी झील जो है, जो कि चार ऑप्शन है, तंजानिया और युगांडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। तो आंसर है विक्टोरिया झील। तो दोस्तों विक्टोरिया झील के बारे में आप जानते ही हैं। तो दोस्तों विक्टोरिया झील का जो क्षेत्रफल है वो है 69,400 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये अफ्रीका में है विक्टोरिया झील, और अफ्रीका का ये दो देश है तंजानिया युगांडा। हालांकि इसके अलावा जो है केन्या भी इसे विक्टोरिया झील से संबंधित है। अब देखिए विक्टोरिया झील से ही जो है नील नदी का उद्गम हुआ है। तो भाई अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर पाँच है कि निम्न में से कौन सी झील जो है पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः जो है यूएसए में है। तो देखिए ये चार झील का नाम है, इरी झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील और ओंटेरियो झील। तो दोस्तों आंसर है मिशिगन झील, ठीक है। मिशिगन झील जो है पूर्णतः जो है यूएसए में ही स्थित है। अब देखिए इरी और मिशिगन के बारे में देखिए दोस्तों, ये इसका क्षेत्रफल है 57,800 वर्ग किलोमीटर मिशिगन झील, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सुपीरियर झील है, और तो सुपीरियर झील जो है ये अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है, ठीक है, और 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दो देश हो गया। अब उसके बाद देखिए इरी झील जो है वो संयुक्त राज्य और कनाडा में ये भी फैला हुआ है, और 25,745 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो दोनों इरी और सुपीरियर जो है अमेरिका कनाडा में है। अब देखिए ओंटेरियो जो है और ये भी जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है ओंटेरियो झील, जिसका क्षेत्रफल है 19,529 वर्ग किलोमीटर। तो इस दृष्टि से दोस्तों कि इरी सुपीरियर और ओंटेरियो इन दोनों का जो साझा है, मतलब कि यूएस कनाडा और साउथ मतलब कि यूएसए दोनों जगह ये है, जबकि मिशिगन जो है पूर्णतः जो है अमेरिका में है यानी कि यूएसए में ही है। पर आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर छः है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान जो है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ घास के मैदान के बारे में पूछा जाता है। देखिए स्टेपी, लानोज और डॉन्स जो है घास के मैदान है, जबकि सेल्वास ये घास का मैदान नहीं है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर सात है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, यानी कि ठीक है कौन सा सुमेलित है, चार ऑप्शन है, एक को जो है छाटना है। तो देखिए दोस्तों आंसर ए जो हो जाएगा हमारा, कि यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कोलोरेडो का पठार जो है यही सुमेलित है, जबकि पामीर का पठार रूस में नहीं है, पेंटागोनिया का पठार भी चिली में नहीं है, और पीडमांट का पठार जो है फ्रांस में नहीं है। प्रश्न नंबर आठ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, या नहीं कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों आंसर है इसका
डी यानी क्राकाटोवा और मलेशिया। ये जो क्राकाटोवा जो है ये मलेशिया में नहीं है, सुंडा जल डमरू मध्य में है। देखिए दोस्तों ये चारों जो है एक्चुअली है ज्वालामुखी, ठीक है। तो देखिए एटना ज्वालामुखी जो है ये इटली में है, तो ये सही बात है, ऑप्शन ए सही है। फिजुआमा ज्वालामुखी जो है जापान में है, ये भी सही है। और पोपा जो है म्यांमार में है, तो तीनों सही है, ठीक है। अब जबकि देखिए क्राकाटोवा मलेशिया में नहीं है, सुंडा जल डमरू मध्य में है, तो ये सारे कुछ खास और इम्पोर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पोपा जो है ये है शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, जबकि फिजुयामा प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, और क्राकाटोवा भी जो है, क्राकाटोवा जो है ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, लेकिन सुंडा जल डमरू मध्य में है। और इटली जो है, क्षमा करेंगे, एटना जो है, एटना जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि इटली में है, एटना, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आंसर है अंटार्कटिक महाद्वीप में। तो देखिए ये अंटार्कटिक महाद्वीप में है एयरबस ज्वालामुखी, नाम बहुत थोड़ा सा हटके है, ठीक है, एयरबस ज्वालामुखी, तो ये अंटार्कटिक महाद्वीप में है। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, और आंसर है 5 किलोमीटर। तो दोस्तों 5 किलोमीटर जो है इसके औसत ऊंचाई है समुद्र तल से तिब्बत के पठार का। दोस्तों तिब्बत का पठार जो है ये हिमालय पर्वत के उत्तर में और क्यून लून पर्वत के जो दक्षिण में है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर यानी कि 4,000 से 5,000 मीटर के जो है। तो इसलिए एग्जैक्ट जो है 5 किलोमीटर के आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो मैक्सिमम यही है औसत। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, ठीक है, और आंसर है बेंगुएला। बेंगुएला धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर का जो है ठंडी जल धारा है। तो दोस्तों देखिए ये देखिए यहाँ ब्राजील जल धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जल धारा है, लेकिन गर्म जल धारा है अटलांटिक महासागर। अब देखिए अगुलहास धारा जो है अगुलहास जल धारा जो है ये है हिंद महासागर के गर्म और अस्थायी जल धारा, ठीक है, अगुलहास। अब देखिए किनारी जल धारा जो है किनारी 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 या कनारी दोनों लिखा जाता है, ये अटलांटिक महासागर ठंडी जल धारा है, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों ये बेंगुएला जो है दक्षिणी यानी दक्षिण अटलांटिक महासागर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन है इसलिए थोड़ा सा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में किनारी भी है और बेंगुएला भी है, लेकिन दक्षिण अटलांटिक महासागर हो जाने की वजह से जो ये ऑप्शन जी बी जो है सही होगा। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है, और आंसर है इसका पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। प्रश्न नंबर 13 है कि सागरीय जल की लवणता में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है, और आंसर है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो है अधिकतम लवणता होने का प्रमुख कारण है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों कि बृहत ज्वार आता है, तो देखिए आंसर है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार जो होता है वो बृहत रूप लिए हुए रहता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि किस सागर में लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो आंसर है दोस्तों मृत सागर। तो मृत सागर जो इन चार ऑप्शन इसमें जो है सबसे ज्यादा मृत सागर या डेड सागर जिसको बोलते हैं, इसमें जो है लवणता सर्वाधिक है, लेकिन अगर पूरा देखा जाए तो तुर्की के बांध झील है वहाँ की लवणता है सबसे अधिक है, 330% वहाँ की जो है लवणता पाई जाती है, और सामान्य रूप से जो है समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह यानी उसका नाम क्या है, तो आंसर है दोस्तों बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य बोलते हैं जिसको, बेरिंग जल संधि भी बोला जाता है।
दोस्तों ये जो बेरिंग जलडमरू मध्य है, ये अलास्का जो कि यूएसए में है, यूएसए का भाग है, और रूस, इन दो भाग को जो है अलग करता है। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम, स्वामिनी का क्या नाम है, और आंसर है इसका श्रीलंका। तो पूर्वी समुद्र का स्वामिनी का नाम जो श्रीलंका है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18 है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। जब देखिए आकाश से जब कोई अंतरिक्ष यात्री देखता है या आकाश से, चूंकि इसे 70% पे तो पानी ही है, तो देखने पे जो है समुद्र जो है नीला कलर का दिखाई पड़ता है, ऐसा क्या कारण है? तो देखिए आंसर है इसका आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा जो है प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र नीला प्रतीत होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों कि गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है खाड़ी में एक नदी है, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि मलक्का स्ट्रेट, जिसको स्ट्रेट को जो है जल संयोजी भी बोलते हैं हिंदी में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो आंसर है हिंद महासागर से चीन सागर तक, ठीक है। तो मलक्का स्ट्रेट है वही है, हिंद महासागर और चीन महासागर के बीच के जो आने जाने का जो एरिया है, मलक्का स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि ग्रेट बैरियर रीफ है, तो दोस्तों आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रबाल भित्ति, ठीक है, यह ग्रेट बैरियर रीफ है। तो दोस्तों ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण होता है, और आंसर है इसका कि सूर्य ग्रहण जो है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक परिक्रमण तल पर आने से जो है सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों इसको आसान शब्दों में समझने के लिए आप जान सकते हैं कि देखिए जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती, तो इस स्थिति को जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब सूर्य की कुछ किरणें कुछ सूर्य जो है कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा जो है अमावस्या को ही आता है, यानी न्यू मून को आता है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 है कि पूर्णिमा को चंद्रमा उगता हुआ दिखाई देता है किस दिशा में, और आंसर है कि ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि फुल मून होता है, ठीक है। अब देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता था, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे जो है सूर्य क्षमा करें इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 है कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है, और आंसर है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है टेलीग्राफिक पठार स्थित है। प्रश्न नंबर 25 है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, और आंसर है थोरियम का जो है अयस्क मोनाजाइट होता है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों कि निम्न में से किस देश में सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, और आंसर है जापान में। तो दोस्तों जापान में जो है सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, क्योंकि वहाँ बहुत ही कम क्षेत्रफल वाला ये देश है, ठीक है, और समुद्र के बीचों बीच में एक तरह से स्थित है, द्वीप आइलैंड टाइप का है, ठीक है। तो जमीन कम है इसलिए ज़्यादा लोगों को जो है भोजन के लिए जो सर्वाधिक जो है सघन खेती वहाँ की जाती है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 से कोयला का सामान्य प्रकार क्या है, और आंसर है बिटूमनी, तो बिटूमिनस भी बोलते हैं इसको, और ये जो है कोयला का सामान्य प्रकार है, जबकि एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम क्वालिटी का सोना मतलब कोयला होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि पनामा नहर किसे जोड़ती है, और आंसर है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है। तो देखिए दोस्तों एक्चुअली प्रशांत महासागर के ये देखिए कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में ये इसकी स्थिति एग्जैक्ट स्थिति है पनामा नहर की, ठीक है, और जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को।
अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 है कि संसार में कोयला के भंडार में अग्रणी देश कौन है। तो देखिए आंसर है चीन। चीन जो है कोयला के भंडार में सबसे अग्रणी देशों में से, मतलब अग्रणी देश ही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हालांकि देखिए भारत में भी कोयला का अच्छा भंडार है। प्रश्न नंबर 30 है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, और आंसर है इसका मूंगफली। तो मूंगफली जो है शुष्क भूमि के लिए सबसे उत्तम फसल मानी जाती है। प्रश्न नंबर 31 है कि विश्व में जल विद्युत शक्ति का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, और आंसर है कनाडा में। प्रश्न नंबर 32 है कि स्थानांतरित खेती जो है सर्वप्रथम शुरू हुआ था, तो कहाँ शुरू हुआ है ये, तो आंसर है दोस्तों थाईलैंड में। तो थाईलैंड में सबसे पहले जो है स्थानांतरित खेती जो है शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों कि सू नहर किसको जोड़ती है। तो देखिए एक्चुअली दो दो नहरों के बारे में, दो झीलों के बारे में बात हो रहा है यहाँ। देखिए तो ये मिशिगन, आंसर पहले जान लीजिए। तो देखिए आंसर है हमारा ह्यूरन और सुपीरियर। तो देखिए ये सुपीरियर झील को जो है ह्यूरन झील से जोड़ती है सू नहर। अब देखिए सू नहर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो बाकी जो तीन ऑप्शन है वो अलग हैं, हटके हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि ह्यूरन जो है सुपीरियर झील जो है ह्यूरन झील से जोड़ती है ये सुनहर। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है, और इसका आंसर है सिकंदरिया। तो सिकंदरिया बंदरगाह है अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर। तो प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों कि कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है। तो दोस्तों ये कुलगाड़ी जो है सोने की विश्व विख्यात खाने हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया किस प्रांत में है। तो देखिए ये जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ये प्रांत का नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 है कि सन सिटी किस देश में स्थित है, और आंसर है इसका कि ये दक्षिण अफ्रीका में है सन सिटी स्थित। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किस देश में यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, यानी किस देश को दिया जाता है, और आंसर है इसका कनाडा को। तो देख कनाडा जो है यूरेनियम में जो है यूरेनियम का अच्छा खासा वहाँ भंडार है। ठीक है, कनाडा में। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्न देशों में से ऊन का, ठीक है, यानी ऊन यानी ऊल जो कि ठंडा यानी कि विंटर सीजन में जब हम कपड़ों को इसका इस्तेमाल करते हैं ऊन के कपड़ों का, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है पूरे विश्व में, और इसका आंसर है चीन। तो चाइना जो है ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नगर जो है, ठीक है, कौन सा नगर जो है जापान का पिट्स वर्ग के उपनाम से जाना जाता है, और जब यानी जापान का एक नगर जो कि पिट्स वर्ग के नाम से जाना जाता है उपनाम से, और ये देखिए आंसर है इसका यावाता। ठीक है, यानी जापान का ये शहर है यावाता जिसको जो है पिट्स वर्ग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों कि अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण मछली पतन है, और इसका आंसर है बोस्टन। तो बोस्टन जो है अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण मछली पतन है। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम क्या है, और आंसर है इसका साउथ अफ्रीका। तो देखिए ये चेंज होते रहते हैं, बहुत जगह आपको आंसर चाइना में मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा 2017 के अनुसार जो है सबसे अधिक जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये है साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 41 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सभी लोग से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग से आग्रह है कि जरूर अधिक से अधिक 3 लोगों को कम से कम जो है शेयर कीजिए, और
लाइक करना नहीं भूलिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। और इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।